हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जीवन परिचय। अगर हम हरियाणा बोर्ड की बात करें तो ये जो जीवन परिचय है ये आपके 4 नंबर में रहता है। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म 1872 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक देशी राज्य कुरंदवाड़ में हुआ। इनके पिता का नाम था श्री दिगंबर पंत, जो कि कीर्तनकार थे, कीर्तन करते थे। हरि कीर्तन इनके वंश का परंपरागत पेशा था। कीर्तन करना इनके वंश का एक पेशा था। जीवन परिचय। घर के वातावरण से प्रभावित विष्णु दिगंबर जी शुरू से ही हरि कीर्तन में रुचि लेने लगे। 12 वर्ष की आयु में दीपावली के अवसर पर दुर्भाग्य से पटाखे के विषैले धुएं से इनकी नेत्र ज्योति क्षीण हो गई। मतलब जिनके नेत्र की ज्योति है, आंखों की रोशनी थी, जो चली गई थी। इनके पिता ने तब इनके लिए संगीत का रास्ता चुना और इन्हें संगीत शिक्षा हेतु मिरज के बालकृष्ण बुआ इजलीकर जी के पास भेज दिया। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु का नाम क्या है, तो वो थे बालकृष्ण बुआ इजलीकर। ठीक है। यह हर समय अपने गुरु के साथ रहते और इनकी सेवा करते और संगीत शिक्षा ग्रहण करते। लगन, सेवा और अभ्यास से उन्होंने अपने गुरु की गायन शैली अच्छे प्रकार सीख ली। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने गुरु गृह त्याग दिया। मतलब जो गुरु का घर था, जहाँ ये संगीत की शिक्षा ले रहे थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया और संगीत का उद्धार करने के लिए, संगीत को बढ़ावा देने के लिए देश पर्यटन को निकले। देश के अलग अलग कोने में ये गए। इनका सबसे पहला कार्यक्रम औंध के जगदम्बा मंदिर में हुआ। तो सबसे पहला कार्यक्रम, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का सबसे पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो औंध के जगदम्बा मंदिर में। इसके बाद ये बड़ौदा सतारा के संगीत सम्मेलनों में सम्मिलित हुए। बड़ौदा की महारानी जमुनाबाई गायकवाड़ ने इनके गायन से प्रभावित होकर इन्हें कई पुरस्कार दिए। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बड़ौदा की महारानी का नाम बताएं। और दूसरा ये भी है कि इन्होंने महारानी से प्रभावित, जो महारानी थी वो इनके गायन से प्रभावित होकर इनको कई पुरस्कार भी दिए। इसके बाद ये ग्वालियर गए। ग्वालियर के महाराजा भी इनका गायन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें उचित सम्मान भी दिया। ग्वालियर से यह मथुरा गए और वहाँ रहकर इन्होंने ब्रज भाषा का अध्ययन किया। ब्रज एक भाषा है। संगीत ग्रंथों का अवलोकन किया। भरतपुर में भी इन्हें बहुत सम्मान मिला। यहाँ रहकर इन्होंने हिंदी का अभ्यास किया और हिंदी में भाषण देने लगे। तुलसीकृत, तुलसी जी के द्वारा जो लिखा रामायण है, का रामायण का प्रवचन कर इन्होंने लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। यहाँ सांगीतिक प्रतिभा के साथ साथ इनकी भाषण देने की क्षमता भी जो है वो विकसित हुई। भरतपुर से दिल्ली गए और वहाँ इनकी भेंट प्रसिद्ध सितार वादक पन्नालाल गोस्वामी से हुई। यहाँ ये कई संगीतज्ञों के संपर्क में आए और पारस्परिक आदान प्रदान से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो ये कई संगीतज्ञों के संपर्क में आए और इन्होंने जैसे संगीत का कुछ इन्होंने अपना ज्ञान बांटा और कुछ उन संगीतज्ञों से अपना ज्ञान, कुछ उन संगीतज्ञों से ज्ञान लिया भी, प्राप्त भी किया। इसके बाद इन्होंने पंजाब के जलंधर, अमृतसर के संगीत सम्मेलनों में भाग लिया और फिर लाहौर जाकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने कौन से महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। जगह का नाम लाहौर है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। या ये फिर ये भी आ सकता है कि गंधर्व लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की। ठीक है। अर्थाभाव के कारण इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मतलब आर्थिक स्थिति के कारण इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पैसों की कमी होने के कारण। तभी श्रीनगर के महाराजा ने इन्हें तार द्वारा कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा। कार्यक्रम के लिए इन्हें 2000 रुपये दिए गए और संगीत विद्यालय खोलने के लिए 1500 रुपये वार्षिक सहायता देने का आश्वासन जो है वो दिया गया। इस कलाकार ने संगीत उद्धार के लिए, संगीत को बढ़ावा देने के लिए, संगीत का उद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन संगीत को अर्पित कर दिया। अपनी जो इनका जीवन था वो उन्होंने संगीत के प्रति अर्पित कर दिया। अपने अंतिम दिनों में सिलोन, बर्मा, ये सब जगह के नाम है, नेपाल देश के नाम है, ये भ्रमण किया और संगीत का प्रचार इन्होंने किया। अब है आपके पंडित जी के कार्य या फिर संगीत जगत को देन। तो ये क्वेश्चन 2 पॉइंट्स करेंगे हम, 13 पॉइंट्स है। इसमें से 5-6 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो ये क्वेश्चन संगीत जगत को देन या फिर कार्य, ये एक ही बात है। ठीक है।
इन्होंने संगीत संबंधी कई पुस्तकें लिखी जिनमें से राग प्रवेश के 20 भाग विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें इन्होंने ख्याल गायकी के बहुत से गीत दिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बालभोज संगीत शिक्षक, राष्ट्रीय संगीत व्यायाम के साथ संगीत, महिला संगीत, टप्पा गायन, भक्त प्रेम लहरी, स्वाल्पा लाप गायन, संगीत बाल प्रकाश, भजनामृत लहरी, संगीत तत्व दर्शक आदि पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने सन 1905 में जनसाधारण में संगीत का प्रचार प्रसार करने हेतु संगीत अमृत प्रवाह नामक मासिक पत्रिका निकाली और छपाई के लिए छोटा सा प्रेस भी खरीदा। यह पत्रिका कुछ समय तक ही प्रचलित रही। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन्होंने संगीत शिक्षा की सुगमता हेतु एक नई स्वरलिपि निकाली जो कि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई और इन्होंने बड़े प्रयत्न से उस्तादों के गीतों की स्वरलिपियाँ तैयार की। इस स्वरलिपि के धार बनाकर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इन्होंने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, फिर उसकी एक शाखा जो है बम्बई में भी खोली। इन्होंने अच्छे अच्छे कवियों के भजनों को लेकर उन्हें रागदारी में बिठाकर पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा। इन्होंने भारतीय संगीत को गंदगी और अश्लीलता से ऊपर उठाया और इन्होंने स्थान स्थान पर घूमकर संगीत की पवित्रता का दर्शन लोगों को करवाकर उसे समाज में सम्मानित स्थान भी दिलवाया। इन्होंने श्रृंगार रस के गीतों में से अश्लील शब्द निकालकर भक्ति रस के शब्द भरे और इन भक्तिमय गीतों से लोगों में संगीत के प्रति प्रेम भी भरा। इन्होंने गायन के शास्त्रीय पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष की भी अवहेलना नहीं की, अपितु यह गाते गाते रुक जाते थे और कला शास्त्र के संबंध में संक्षेप में सब कुछ समझा जाते। इन्होंने संगीत को स्त्री जाति में विकसित किया या पर्दे के विरोधी थे। इनका कहना था कि स्त्रियों को चाहिए हमारे साथ मिलकर गाएं और समाज में संगीत को प्रतिष्ठा दिलवाएं, मतलब समाज संगीत को एक समाज में उचित स्थान दिलवाएं। 10th पॉइंट है, इनके समय में संगीतज्ञों की जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी। इनका विश्वास था कि जब तक समाज में संगीतज्ञों को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज ऊंचा नहीं हो सकता। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह समाज में संगीतज्ञों को उचित सम्मान दिलवाएंगे और इस प्रण हेतु इन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया और आज इनके प्रयासों का ही फल है कि संगीत और संगीतज्ञ आज में सम्मान के पात्र बन गए हैं। इन्होंने वाद्य वृंद के विकास में भी योगदान दिया। इन्होंने अपने वाद्य वृंद तैयार किए, उनके साथ सितार, बंसी, दिलरुबा, तबला, वायलन, मृदंग, हारमोनियम, जलतरंग, काष्ठतरंग आदि वाद्य और वादक साथ रहते जिनकी कला प्रस्तुति अद्भुत थी। 12th पॉइंट है, इन्होंने नासिक में राम नाम आश्रम की स्थापना की। तो राम नाम आश्रम की स्थापना करने वाले सबसे पहले विष्णु दिगंबर पुरस्कर थे और सारे देश में इन्होंने घूम घूम कर कीर्तन गाया, राम धुन का प्रचार भी किया। इसलिए ही कुछ लोग इन्हें संसारी साधु, संत पंडित नाम से भी संबोधित करते थे। 13th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इन्होंने संगीत जगत में सैकड़ों शिष्य तैयार किए जिनमें से विनायक राव पटवर्धन, ओमकार नाथ ठाकुर, वी आर देवधर, पंडित वामन राव पांडे प्रमुख है, जिन्होंने अपने गुरु द्वारा प्रज्वलित लोक को अपने संगीत दिनों से जलाए रखा। तो आपको लास्ट वाला पॉइंट तो जरूर करना है, इसके अलावा आप 4-5 पॉइंट और करोगे। उपसंहार, 21 अगस्त 1931 को यह महान संत गायक इस दुनिया से विदा हो गए पर संगीत की दुनिया में अपना जो नाम है सदा के लिए अमर कर गए। थैंक यू।